हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं आशीष और इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड जो कि हैवी ड्यूटी और ये मोबियास्ता पावर एक्सटेंशन मल्टी आउटलेट हैवी ड्यूटी एक्सटेंशन बोर्ड है और मैंने इसको मंगाया हुआ है और मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं इसको अनबॉक्स करके, ताकि इसकी क्वालिटी और प्रोडक्ट कैसा है ये हम मालूम कर सकें। मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं कि मेरे घर में खासकर महिलाएं हैं और वहां पर टीवी भी लगी होती है और कूलर भी लगाना होता है, तो अभी तक क्या था कि एक ही एक्सटेंशन बोर्ड था और उसमें केवल एक ही स्विच था, यानी कि अगर हमें टीवी बंद करना है और कूलर चालू करना है तो हमें उनके प्लग निकालने पड़ते थे बार बार। तो इस समस्या से निपटने के लिए मैंने ये वाला जो एक्सटेंशन बोर्ड है उसको मंगाया हुआ है। यहाँ पे चार सॉकेट हैं और आउटलेट हैं और चार यहाँ पे स्विच मिल जाएंगे, यानी कि आप किसी भी चीज़ को इस स्विच के माध्यम से बंद कर सकते हैं, उसका प्लग बार बार निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो चलिए मैं इसको खोलता हूँ और मैं आपको बता दूँ, मैंने इसको फ्लिपकार्ट से मंगाया है और यह 500 करके कुछ रुपये में मुझे मिला हुआ है। मैं आगे बता रहा हूँ कि इसका प्राइस वगैरह क्या है क्लियर करके। तो इसको पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से इसको उन्होंने भेजा हुआ है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग ब्लॉग को और बेल आइकन को दबाइए हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो ये फ्रेंड्स आप देखिए कि ये हमने इसको खोल लिया है और ये हमारा बाहर निकला है एक्सटेंशन बोर्ड। हालांकि इसको हमने बड़े ही अजब गजब तरीके से खोला हुआ है, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था इसको खोलना कहाँ से है। भाई चीज़ों को खोलने के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस कम है, वो तो हम आपको दिखा रहे हैं कि ये प्रोडक्ट कैसा है। बकाया ये देखिए, ये है हमारा एक्सटेंशन बोर्ड जो कि काफ़ी साइज में बड़ा है और इसकी जो केबल है वो लगभग 5 फीट की है, जो कि काफ़ी अधिक होती है और इसमें कुछ नहीं है। आगे यहाँ पर फ्रेंड्स देख लें कि इसमें जो यहाँ पर देखिए जो स्विच लगे हैं ये एंसर कंपनी के हैं और पूरा ये जो बोर्ड है काफ़ी बड़ा ही साइज में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसकी केबल आप यहाँ पर देखें और यहाँ पर इसका जो 6 एम्पियर 230 वाट वर्जन का ये प्लग है यहाँ पर लगा हुआ है और केबल काफ़ी अच्छी है, काफ़ी मोटी है और ये 5 फीट की केबल है। और नीचे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको चेक कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके फीचर्स क्या हैं सब चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए ये जो प्रोडक्ट है इसके जो सॉकेट हैं काफ़ी मजबूत हैं, स्विच भी बहुत अच्छे वाले लगे हैं जिनको ख़राब नहीं होना है। आप इसमें बड़े जो चीज़ें हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की, जैसे कूलर हो गया, फ़ैन हो गया, या फिर आप जो आयरन हो गया उसका इस्तेमाल कर सकते हैं उनको यूज करने के लिए। और यहाँ से आसानी होगी कि कोई भी स्विच आप चालू करके उसको बंद कर सकते हैं, और इसी काम के लिए मैंने इसको मंगाया हुआ था। और यही सब चीज़ें हैं और इसमें कुछ खास है नहीं है। ये पूरा प्लास्टिक है नीचे वाला जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, और ये प्लास्टिक जैसा कुछ समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा लगता है ये भी प्लास्टिक ही है, लेकिन अच्छा वाला है, हल्का सा प्लास्टिक ही है। तो ये सभी चीज़ें हैं लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है और इसमें स्विच भी लगे हैं जो हैवी ड्यूटी वाले हैं, यानी कि जिनमें आप ज़्यादा पावर की चीज़ें लगा सकते हैं ताकि ये जले नहीं। तो ये इनमें से कोई भी ना तो स्विच जलेगा और ना ही यहाँ पे जो आउटलेट्स हैं वो भी यहाँ पे नहीं जलेंगे, और इसको कहीं पर भी आप आसानी से रख सकते हैं। और पीछे आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर ये चीज़ें भी दी गई हैं, आप चाहें तो इसको दीवार में भी फिट कर सकते हैं, लेकिन वो सब करने के लिए आपको पहले इसको खोलना पड़ेगा, फिर आप ये जो यहाँ पर दिख रहे हैं इनके माध्यम से आपको दीवार में जो कीलें रहेंगी वो गाड़नी पड़ेंगी, फिर इसके बाद आप ऐसे इसको आगे से फिट कर देंगे और यहाँ पर आप प्लग वगैरह लगा सकते हैं। मेरा मानना है कि ये जो बोर्ड है काफ़ी आपको पसंद आया होगा। 500 रुपये का है, 509 रुपये ऐसा कुछ इसका प्राइस है। तो मेरा मानना है कि जो प्रोडक्ट है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। यदि और भी कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट के रूप में लिख सकते हैं, मैं उनका जवाब आपको जरूर दूंगा। फ्रेंड्स मेरा मानना है वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, इसी तरह वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, अपने मित्रों के साथ में शेयर कर दें। फ्रेंड्स इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।